गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट 16 टू 30 क्वेश्चन के बीच में आज सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, GNM, ANM एंड BSc फर्स्ट ईयर नर्सिंग के लिए ये क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 5 to 7 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज अपन डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ है, मेनोपॉज किस आयु में सामान्यतः देखी जाती है। देखो मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका स्टॉप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका क्या हो जाना स्टॉप होना। और एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है वो कौन सी एज के अंदर देखी जाती है। तो ए 32-32, बी 35-40 ईयर, सी 42-42 ईयर और डी 45-48 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी इज ए करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा कि मेनोपॉज की कंडीशन मोस्टली जो होती है, रेंज की बात करें 45 से लेकर के 55 ईयर के बीच में होती है, ये इनकी रेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से ब्रेन के किस भाग को सीट ऑफ इंटेलिजेंट कहा जाता है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस मतलब एक बुद्धिमता वाला जो पोर्शन है वो ब्रेन के किस पार्ट में है। ए सेरेब्रम, बी थैलेमस, सी मेडुला ओब्लोंगेटा, डी थैलेमस। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो बार थैलेमस आया है तो एक बार यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी लिख सकते थे। तो इसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि ब्रेन के अंदर सबसे जो ज़्यादा या डेवलपमेंट जो एरिया होता है वो होता है सेरेब्रम, है ना। देखो ब्रह्म यानी ब्रह्मांड, ऐसे आपको याद रखना है सेरेब्रम। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको ब्रेन वाला पोर्शन पढ़ाया था, तो ब्रेन के तीन पार्ट के बारे में बताया था। सबसे पहले फोर ब्रेन, दूसरा था मिड ब्रेन, तीसरा था हिंड ब्रेन। तो इसके अंदर जो फोर ब्रेन है इसके अंदर सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों भाग पाए जाते थे फोर ब्रेन के अंदर। तो सेरेब्रम वाला पार्ट है वो सबसे डेवलपमेंट एरिया है, सबसे लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन के अंदर। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो फोर ब्रेन के अंदर कितने पार्ट हैं, सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस और नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। तो ये तीन पार्ट होते हैं, ये फोर ब्रेन का पार्ट है और फोर ब्रेन के अंदर भी सेरेब्रम वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है। इसके अंदर बुद्धिमान जो इंटेलिजेंस का आंकलन किया जाता है, इसलिए इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट है तो उसमें बुद्धि ज़्यादा होगी। उसके बाद में मिड ब्रेन और उसके बाद में है हिंड ब्रेन। ठीक है ना, हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला ओब्लोंगेटा और तीसरा है सेरेबेलम। ठीक है, ध्यान रखना सेरेबेलम। और जो फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम, तो ये ध्यान रखना है। तो सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों ही ध्यान रखना है। तो सेरेबेलम वाला पार्ट है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है और सेरेब्रम वाला है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा क्लासिफिकेशन आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था में भ्रूण में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है। ए प्लीहा, बी यकृत, सी अग्नाशय और डी किडनी। तो इसके अंदर जो एक भ्रूण की कंडीशन में, फिटस की कंडीशन के अंदर जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो होता है लीवर के द्वारा। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन थाइमस ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है। थाइमस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, देखिएगा। थाइमस ग्रंथि के द्वारा ए TSS, बी T3, सी थाइमोसिन और डी T4। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा थाइमोसिन। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थाइमोसिन।
देखिएगा थाइमोसिन, तो थाइमोसिन कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है? वो होता है आपका थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थाइमस ग्लैंड से क्या होता है? सीक्रेट होता है। और ये थाइमस ग्लैंड होती है एक थोरोसिक केविटी है, वहाँ से वहाँ पे होती है। और थाइमस ग्लैंड जस्ट बिलो द स्टर्नम, जो स्टर्नम होती है जस्ट उसके क्या होती है, पीछे की तरफ होती है। इसके अंदर दो लोब पाए जाते हैं, टू लोब। कितने लोब? थाइमस ग्लैंड के अंदर टू लोब पाए जाते हैं, LOB लोब पाए जाते हैं। और इस थाइमस ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको बोलते हैं थाइमोसिन, उसको बोलते हैं थाइमोसिन, उसको बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। और ये थाइमोसिन हार्मोन होता है वो किसका निर्माण करता है? टी सेल का। किसका नाम निर्माण करता है? टी सेल का निर्माण करता है, या टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। और टी लिम्फोसाइट किसको बनाए रखती है? इम्यूनिटी को बनाए रखती है। तो ये थाइमस ग्लैंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थाइमस ग्लैंड है। तो क्वेश्चन आपके यहाँ थाइमस ग्लैंड से भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें देखिएगा कि थाइमस ग्लैंड है उसके ये कहाँ पे, उसका लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन थोरेसिक कैविटी के अंदर, जो बिलो द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे। एक तो ये रहेगा, दूसरा रहेगा इसके दो लोब होते हैं उसको कनेक्ट करके कौन रखता है, जोड़ करके कौन रखता है? वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। ये दो लोब होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो थाइमस ग्लैंड के अंदर दो लोब पाए जाते हैं जिसको कौन जोड़ के रखता है, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक जोड़ के रखते हैं। और थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये थाइमोसिन क्या करता है, टी सेल या टी लिम्फोसाइट सेल का निर्माण करता है, और टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी को बनाए रखती है। तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि कौन सी ग्लैंड के द्वारा इम्यूनिटी बनाए रखने का काम करती है, तो वो है थाइमस ग्लैंड। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है थाइमस ग्रंथि के दोनों भाग के जुड़े रहते हैं संयोजी ऊतक से, उपकला ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, वसीय ऊतक से। तो मैंने अभी बताया कि इनके दो लोब होते हैं और वो कनेक्ट किससे रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस उसके अंदर आया था, तो ये इसका क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शरीर में हार्मोन का कार्य है, शरीर में हार्मोन का क्या काम है, वृद्धि एवं डेवलपमेंट, और भोजन में मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को बढ़ाना, शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो हार्मोन होते हैं वो ये सारी प्रक्रिया करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिएगा 23, सॉरी बार बार थोड़ा 23 के अंदर लिखा हुआ है, निम्न में से किस हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर दानवाकार हो जाता है जिसे हम एक्रोमेगाली कहते हैं। तो इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन, बी एसीटीएस, सी ऑक्सीटोसिन, डी एडीएस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रोथ हार्मोन। देखो ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन से और कम सीक्रेशन से क्या क्या होता है। देखो ज़्यादा सीक्रेशन होगा तो एक्रोमेगाली होगा, और कम सिक्रेशन होगा ड्वार्फ डिज्म मतलब बोनापन। तो बोनापन होगा, और एक्रोमेगाली मतलब दानवाकार हो जाता, जैसे खली होता ना, खली की हाइट है जैसे ये हो जाता है दानवाकार। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने से। ठीक है ना, एक नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है और ये होना चाहिए, परंतु ज़्यादा होता है तो एक्रोमेगाली, कम होता है तो ड्वार्फ डिज्म जिसको बोलते हैं बोनापन।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन को पिटोसिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी एडीएस, सी एसीटीएस, डी वृद्धि हार्मोन। तो इसको पिटोसिन हार्मोन किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर में जल पुनः अवशोषण को प्रभावित करता है? रीअब्जॉर्प्शन को कौन प्रभावित करता है? ए एडीएस, बी वासोप्रेसिन, सी अर्गीफ्रेसिन और डी उपरोक्त सभी। तो ये जो एडीएस है उसका दूसरा नाम क्या है? वासोप्रेसिन और अर्गीसिन। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ, आधी रह जाती है। तो माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, इसमें तो समान विभाजन होता है, इसमें आधी नहीं होती है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्टाइल टिश्यू है, कॉन्टेक्टाइल टिश्यू कौन सा है? ए पेशी, बी ब्लड, सी हार्ट, डी लीवर। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो मसल्स है, पेशी का मतलब क्या हुआ? मसल्स है, वो क्या है? कॉन्टेक्टाइल है। अपन की बॉडी के अंदर मसल्स के द्वारा ही तो मूवमेंट होता है, हाथ पैर है, ऊपर नीचे करना, मुट्ठी को बंद करना, खोलना, तो ये क्या है? मसल्स, एक मसल्स है, पेशी है, उसके द्वारा क्या है? कॉन्टेक्शन होता है और मूवमेंट करते हैं। दूसरा है ब्लड है, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, संयोजी ऊतक है। और हार्ट और लीवर क्या है? ये ऑर्गन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तंत्रिका निम्न में से है? ठीक है ना, सबसे बड़ी जो नर्व है, जो 12 पेयर नर्व होती है, सॉरी, जो सबसे बड़ी तंत्रिका निम्न में से हैं, तो इसमें से कौन सी जो तंत्रिका है, कौन सी नर्व है? सियाइटिक नर्व, एक्जिलरी नर्व, फीमोरल नर्व, गैस्ट्रिक नर्व। तो सियाइटिक नर्व होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व होती है, सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व होती है वो सियाइटिक नर्व होती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड के बिलो से स्टार्ट होती है और बैक ऑफ द लेग, है ना, बैक ऑफ द लेग के होते हुए नीचे की तरफ जाती है। मतलब जैसे अपन इंजेक्शन लगाते हैं बटेक्स वे इंजेक्शन लगाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, नहीं तो यही सियाइटिक नर्व है वो डैमेज होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 28 का ए। नेक्स्ट है 29, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल वो आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? वो जुड़े रहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट, है ना, सेरेब्रल एक्वाडक्ट के द्वारा जुड़े रहते हैं। सेरेब्रल एक्वाडक्ट के द्वारा क्या करते हैं? ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो आज अपने 16 to 29 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे वहाँ में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आप कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहिए और इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।